ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। आलोक मौर्य कभी भी दहेज की मांग कर ही नहीं सकते, पूरी तरह से गलत है। जो बेटियां शादी के बाद सफलता के सपने देखती हैं उनकी सफलता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया, और जब लोन की स्थिति थी तो फिर दहेज की बात कहां से आ गई। तो बगैर पति और बगैर परिवार के सहयोग के इन पदों में पहुंचना असंभव है। न्यूज वन इंडिया की ग्राइंड रिपोर्ट जीरो में हम देखेंगे कि यहाँ लोगों का क्या कहना है, लोग इस मामले को किस तरह से देखते हैं, आइए जानते हैं। जसपाल, ये जो ज्योति मौर्य का मामला आया है, उप जिला अधिकारी हैं और उनके पति उन पे आरोप जो लगाया है, तो इस मामले में किस हद तक सहमत हैं आप? सर, संवैधानिक दृष्टि से अगर इसको देखा जाए तो हर व्यक्ति पहली बात तो अपने आप में सक्षम है, परंतु ज्योति मौर्य ने बहुत ही गलत किया हुआ है, हमारी संस्कृति के खिलाफ है। ये पति जो होता है एक तरफ से बिल्कुल देवता होता है, ठीक है, और ये जो पति के खिलाफ इन्होंने अन्याय किया हुआ है इसका समाज पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और ये मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा गलत कदम इन्होंने उठाया है। इसलिए कानून को इनको बहुत ही कुछ अलग नियम लागू करके इनको इनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। अच्छा, उनके पति का कहना है कि ज्योति मौर्य के माँ बाप को भी उन्होंने जो घर पे रखा, उनका जो है खान पान का ध्यान रखा, उसके बाद उन्हीं ने उन पे दहेज का आरोप लगाया है, ये भी मामला सामने निकल के आया है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? दहेज का आरोप ये नहीं लगाया हुआ है, ये पूरी तरीके से गलत है। आप सर खुद अनुमान लगा सकते हैं, जो व्यक्ति अपनी छोटी सी नौकरी पाकर भी अपनी पत्नी को SDM की पढ़ाई के लिए इतनी दूर भेजता है वो कैसा दहेज मांग सकता है। तो इसलिए ये पूरी तरीके से गलत है, उनका आरोप ज्योति मौर्य का जो लगा हुआ है वो पूरी तरह से गलत है, ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। आलोक मौर्य कभी भी दहेज की मांग कर ही नहीं सकते, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने अपने पति को जो है धोखा दिया, ऐसा पति ने आरोप लगाया है, विवाह का मामला है कि वो तलाक लेना चाह रहे हैं उसके साथ और उसको मारने की भी साजिश की गई, ऐसा पति का आरोप है, तो इस मामले में किस हद तक सहमत किया? जो उन्होंने किया है कि उन्होंने पढ़ाया लिखाया उसके बाद उनको SDM बनाया और उनका इस तरह से जो कृत्य हुआ है समाज में आ रहा है, तो क्या किस हद तक आप सहमत हैं? ये जो कृत्य इन्होंने किया है बहुत ही गलत किया है, मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये बड़े पोस्ट पे होते हुए SDM के पोस्ट पे, जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग, सुन पा रहे हैं कि SDM की पोस्ट पर हैं और एक प्रकार से ये लीडरशिप का काम करते हैं, और इनसे हम लोग एक मैसेज लेते हैं, ये लोग संविधान पढ़ के जाते हैं, संविधान को चलाते हैं, शासन संचालित करवाते हैं, और इसकी वजह से हम इनको एक लीडर के तौर पर देखते हैं, और इन्होंने इस तरीके के कृत्य किए हैं, सब चीज़ जानबूझकर की है, बहुत गलत मैसेज गया है समाज में। आगे चल के जो भी लोग पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं अपनी पत्नियों को, लगातार हम देख पा रहे हैं कि बहुत लोग उन्हें पीछे बुला रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैसेज गलत जा रहा है पूरे समाज में, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। शासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या ज्योति मौर्य ने जो किया है या जो कृत्य है क्या वो गलत है, या आप कितना पक्ष लेना चाहेंगे? देखिए, आजकल जो मीडिया के द्वारा या न्यूज चैनलों के द्वारा या जो ये अपने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जैसा ज्ञात हो रहा है उसके हिसाब से ज्योति मौर्य जी हमारी उपजिलाधिकारी जी हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और उनके हस्बैंड ने उनको पढ़ाया लिखाया इस लायक बनाया कि वो SDM बनेंगे। तो अगर इस प्रकार की प्रथा ये होने लगी तो ये वाकई में बहुत गलत होगा। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे तो हर आदमी अपनी पत्नी को पढ़ाना छोड़ देगा। ऐसे ही अगर ये मैसेज देखा जाए कि यहाँ पर जिस पद पर बैठी हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पद है, एक SDM का पद छोटा पद नहीं होता, जिनमें से हम कई लोग तो एक प्रेरणादायक पद को समझते हैं, उसी पद को फॉलो करते हैं कि आगे हम भी SDM बनेंगे, उन जैसे बनेंगे। अगर ये काम जो उन्होंने ऐसा किया है तो आगे आने वाली जो जनरेशन है हमारी महिला वर्ग में, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। वो जिस पद पर बैठी हुई हैं वो एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला पद है, समाज में पूरे मैसेज जाता है कि वो जो कर रही हैं वो एक बहुत अच्छा प्रेरणादायक काम है। लेकिन अब बात की जाए उनके हस्बैंड की, तो उन्होंने जितनी मेहनत से उनको लगन से पढ़ाया लिखाया, उनके सामने कितनी मजबूरियां रही होगी। समाज में एक महिला के लिए कोई बंदा अपना पढ़ने बाहर भेजता है तो समाज उसे सही तरीके से बात नहीं करता, कहता बताओ आप तुम बीवी को पढ़ाने भेज रहे हो। उन विषम परिस्थितियों में उनने उन बातों को कटाक्ष करके अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, और वो पत्नी उनकी पढ़ने के आज जिस पद पर पहुँच गई तो वो इतनी ज़्यादा अपने आप को कामयाब समझने लगे कि उसके साथ ही उन्होंने ये उसको अपने हस्बैंड को बाइकआउट किया। ये एक प्रकार के गलत मैसेज है। आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी महिला को पढ़ाना चाहेगा तो वो कहीं ना कहीं से एक प्रकार का गलत मैसेज होगा। SDM पद पाने के बाद भी आज वो किसी लायक नहीं बची हैं,
और शायद उनको उनके पद से भी हटाया गया है, लेकिन दुख इस बात का है कि उनके इस कृत्य की वजह से जो बेटियां शादी के बाद सफलता के सपने देखती हैं उनकी सफलता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है। अच्छा, आलोक ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके जो पिता हैं उनको घर पर रखा और उनके साथ सगे पिता जैसा व्यवहार किया, उसके बाद घर पर रहने के बाद भी उन्होंने जो दहेज एक्ट का आरोप लगाया है, ऐसा आलोक का कहना है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? दहेज एक्ट का आरोप कहीं से कहीं तक सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि आलोक जी ने जो उनके साथ में पढ़ाई आदि की व्यवस्था की थी वो लोन लेकर की थी। वो लोन कहीं भी मिलता है तो डॉक्यूमेंट्री उसके एविडेंस होते हैं, और जब लोन की स्थिति थी तो फिर दहेज की बात कहाँ से आती है। और वो खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई भले ही फोर्थ क्लास है और आज की डेट में वो SDM महोदय अब बनी है, अगर उन्हें दहेज ही लेना होता तो वो दहेज पहले लेते, उनके दहेज लेने की बात अब कहाँ से आ जाएगी जो कि एक PCS पद पर। ये तो सिर्फ एक उलझाने वाली बात है, उसने दबाव बनाने के लिए मुकदमे की कार्रवाई की गई। देखिए, सबसे पहले तो महिला का सम्मान सबसे बड़ा सम्मान है, और ऐसे पदों पे जो उन महिला ने कृत्य किया ये बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि एक महिला शादी के बाद जब ससुराल पहुँचती है तो बगैर पति और बगैर परिवार के सहयोग के इन पदों पर पहुँचना असंभव है, और परिवार और पति का सहयोग बहुत अवश्य जरूरी होता है। उस महिला के पति ने इतना मेहनत करने बावजूद इस पदों पर पहुंचाया और उसके बाद इतना गंदा कृत्य करके शर्मनाक कार्य किया, इससे हमारी जो आने वाली और बहनें हैं उनको भी परेशानी कठिनाइयों का सामना झेलना पड़ रहा होगा। उनके पति भी ये सोचकर कभी कभी अपनी महिलाओं को भी सावधान करते हुए कि क्या मेरे साथ भी ऐसा कृत्य हो सकता है। जिस तरह से आपने देखा कि लोगों ने कहा कि ज्योति मौर्य जो उन्होंने किया है वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी गलत है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी गलत है, उनको ऐसे पद पर होने के बाद इस तरह के कृत्य शोभा नहीं देते। अमित कुमार मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, पीलीभीत।